लगातार वैक्सीनेशन के कार्य में दिन रात स्टाफ नर्स लगा हुआ है बिना अपने परिवार और खुद की चिंता किए। लेकिन ऐसे कुछ तत्व भी समाज में मौजूद हैं जो अपनी ही ताकत में मगरूर रहते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को मानस भवन में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर के दौरान सामने आया, जब स्टाफ नर्स प्रीति तोमर के द्वारा आमजनों को वैक्सीन दी जा रही थी। तभी एक अजयपाल नामक युवक अपने दो दोस्तों के साथ आकर वैक्सीन लगवाने की जिद करने लगा। स्टाफ नर्स के द्वारा जब उसे बताया कि अभी आप स्लॉट रजिस्टर नहीं हुई है, तो युवक अजयपाल के द्वारा नर्स प्रीति तोमर को धक्का देकर अश्लील गालियां देता रहा। यह मामला जब एसपी राजीव कुमार मिश्रा के संज्ञान में आया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। सवाल यह है कि इतनी जनता के होते हुए भी एक महिला को गालियां दी जा रही थी, तब जनता खामोश क्यों थी? क्या प्रशासनिक आदेश का पालन कर रही प्रीति तोमर के साथ युवक द्वारा अभद्रता मामले में युवक के साथ ठोस कार्रवाई की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। नहीं कर लो इनको जेल में डलवाएंगे यार, इनको ही बना लेते हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनको आज करवा दे जेल में डलवा दे। इधर सकला था अपनी, इधर बताने, इधर आ जाए, इधर सकल बता दे अपनी। डंडा कहते हो मारने की? क्या तू बाप की आंख मार के बता जूता। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है, मैं वैक्सीनेशन सेंटर में कार्यरत हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। हम लोग अपना कार्य खत्म करके रिपोर्ट बना के घर जा ही रहे थे, इतने में तीन लड़के आए। उन्होंने बोला हमारा स्लॉट बुक नहीं, हमें वैक्सीन लगना है। उनमें से एक का नाम अजयपाल था। हमने मना किया तो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी, तो हमने उन्हें वापस भेजा तो वो मुझे मारने के लिए आए, और हमारे स्टाफ के जितने लोग भी आए बचाने उन सबको मारा। उनमें से एक लड़के के कान के पीछे बहुत ज़्यादा लगी हुई। क्या नाम, किसके लगी है, क्या नाम है उनका? राकेश रजक नाम है उस लड़के का। बहुत जोर से मारा है उसको, जितने भी लोग बीच में आए हैं सबको मारा है। कितने लोग थे? योगेश चौहान ऑन ड्यूटी थे, उन्हें भी मारा है। मतलब कितने लोग थे? वो तीन लोग थे, उनमें से एक सरदार था। अच्छा। और एक अजयपाल था जो बहुत गंदी गंदी अश्लील गालियां दे रहा था, मुझे मारने के लिए दौड़ा। अच्छा। इन सब लोगों ने बचाने की कोशिश करी तो इन लोगों को भी मारा है। ठीक है, क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि ऑन ड्यूटी स्टाफ पे आगे से ऐसी बदतमीजी किसी के साथ नहीं हो, वो भी किसी लेडीज के। अभी आपने कोतवाली में आवेदन दिया? मैंने कोतवाली में आवेदन दिया है, टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि उन्हें उठवाएंगे और आपके सामने कार्रवाई करेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम में से कोई वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है।